अगर आप कर्नाटक घूमने जा रहे हैं तो इन दो स्थानों को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें, एक तो बेलूर और दूसरा है हालेबीडू। दोनों ही स्थान एक दूसरे से 16 किलोमीटर की दूरी पर हैं और हासन जिले में आते हैं। बेंगलोर से इनकी दूरी तकरीबन 200 किलोमीटर है। 11वीं से 13वीं शताब्दी तक इस क्षेत्र में होयसला राजवंश ने शासन किया था और ये मंदिर उसी दौरान बने। पहले हम बात करेंगे बेलूर की। चन्ना केशव का मतलब होता है सुंदर केशव। केशव माना गया विष्णु को, और ये मंदिर जो है विष्णु मंदिर है और इसका निर्माण हुआ था 12वीं शताब्दी में। और बताते हैं कि 103 साल तक इसका निर्माण चलता रहा। अच्छा ही ना, इस तो क्या मेटालिक है ना, वो भी स्टोन है, मेटल तरह दिखता मैडम, लिंक्स भी है। ये नीचे अस्ता पूजा गणेश, हाँ ठाक। हमारा हिंदू संप्रदाय में कोई मूर्ति डैमेज हो तो पूजा नहीं करता है ना, ये मूर्ति को पूजा मंदिर से बंद है, लेकिन लोकल का लोग है ना वो पूजा करता है। हाँ भाई, हाथ तो देखो मैडम, दो हाथ खंडित हो गए ना। नीचे हाथी का रुक कर राक्षस दिख रहा है, गजासुर उसको समर कर रहा है। उसे भी नीचे से दिखे हाथी का चमड़ा पैर को निकाल के कपड़े का तरह पहनकर नृत्य कर रहा है। गजा चर्मांबरधारी और बीच में नागराजा नागराणी नाग देवता, ये वाला मैडम स्नेक कपल्स। ये नग्न काला भैरवा कड़गा त्रिशूला डमरुगा चप्पल भी दिखिए, आजकल वेट जैसा हाई हील्ड करके पहनता है ना, वो लोग बोलता था फादुखा या खड़ा हुआ। और पर मुकुटो कान पर बाली हाथ पर कंगन कमर बन पायल कंगन पीछे पर्दा भी देखिए दुपट्टा रॉयल गाउन भरतनाट्य का ये अलंकार है। तो ये स्तंभ का डिजाइन देखिए सोने का चूड़ी तरह लग रहा है। और दूसरा देखिए पैर का खड़ा आता है ना एनकेस, अभी कार टायर मोटर टायर करके लोग जानता है, तो पूरा अलग अलग है। ये टोटल 48 पिलर अलग अलग।
मंदिर पे जो गर्भगृह है उसके ऊपर विमान नहीं है, मतलब एकदम फ्लैट मंदिर, दूर से देखने पे बिल्कुल फ्लैट लगता है, लेकिन इसका गोपुरम बड़ा विशाल है, गोपुरम काफी विशाल है, और मंदिर का गर्भगृह और उसके बाहर मंडप हुआ, और इनके अंदर भी और बाहर भी, बाहर की दीवारों पर भी और अंदर की दीवारों पर भी बहुत तरह की आकृतियां, स्कल्पचर बने हुए हैं जो आपने अभी अभी देखे हैं। खैर, मंदिर को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ तक दिल्ली सल्तनत के राजाओं ने, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने आक्रमण किए थे, बहुत नुकसान पहुँचाया था, लेकिन फिर भी यहाँ तक काफ़ी रिस्टोर कर लिया है। बाद में राजा कृष्णदेव राय या फिर विजयनगर के राजाओं ने भी इसे रिस्टोर किया था, बाद में भी इसे रिस्टोर किया गया, नुकसान भी पहुंचता रहा, तो ये सब चलता रहा।